रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के रायपुर को तहसील बनाने के लिए प्रसिद्ध एवं पुराने मंडपेश्वर नाथ मंदिर से 11,000 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद जन आक्रोश रैली का शुभारंभ हुआ। रैली का प्रमुख उद्देश्य रायपुर को तहसील बनाना है। डीजे बम तिरंगा यात्रा के साथ निकाली गई इस जन आक्रोश रैली का समापन रायपुर बाजार में हुआ। ज्यादा जानकारी देते हुए किसान नेता ललित मिश्रा ने बताया कि पहले रायपुर में नायब तहसीलदार बैठते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणवश वे पुनः त्योंथर में बैठने लगे हैं। ये जन आक्रोश रैली निकालने का मात्र उद्देश्य ये है कि रायपुर को तहसील बनाया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर तहसील बनाना है, जन जन का यह नारा है। सुनो, रायपुर को तहसील बनाने की सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारी। यहाँ पर रायपुर जो है त्योंथर का सबसे दूरस्थ इलाका है। रायपुर पूर्वी भाग का ककराहा गांव 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पर कि जहाँ से किसानों को तहसील त्योंथर जाने में भारी असुविधा होती है और धन क्षय भी होता है, जिसके कारण हमने जो पूर्व में भी ज्ञापन कई बार दिया है और ज्ञापन देने के बाद यह हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया कि मंडपेश्वरनाथ यह पुराना मंदिर है, यहाँ पर हम 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यहाँ से जन आक्रोश रैली शासन को दिखाने के लिए कि हमारी मांगे जो है वो आप तत्काल पूरी करिए, नहीं आगे बड़े आंदोलन का रूप। यह रैली हमारी यहाँ से निकलेगी, रायपुर चौराहे पर इसका समापन होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।